अतीक अहमद के मामले में इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जो प्राथमिक रूप से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है अतीक अहमद की, उसमें कुल 8 गोलियां अतीक के शरीर में बताई गई हैं। इसमें से मुख्य रूप से जो गोलियां लगी हैं, एक तो उसके सर में गोली लगी है, इसके बाद एक गर्दन पे, एक सीने पे और पेट में, और साथ ही साथ उसके कमर पे भी एक गोली मारी गई है। जी हाँ, ये वो जानकारी है जो कि यूपी तक खास तौर से आपको बता रहा है। बता दें कि ये जो शूटर आए थे, जो 3 शूटर थे जिनके ऊपर आरोप लगे हैं अतीक अहमद और अशरफ पर गोली चलाने के, वो बेहद ही खास और बहुत ही सटीक उनका निशाना माना जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पहले ही वार में सीधा सीने में और सर में गोली मारी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने तैयारी के साथ आए थे। इसी के साथ अब मैं आपको अगला बता दूँ कि अशरफ के मामले में भी अशरफ को भी 5 गोलियां यहां पर लगने की जानकारी अभी फिलहाल मिल रही है। इसके साथ ही साथ क्या फाइनल अपडेट होगा वो भी हम बताएंगे। आपको बता दें कि इस मामले में 3 जो आरोपी हैं, लवलेश तिवारी, इसके साथ अरुण कुमार मौर्य और सनी सिंह, इन 3 को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके साथ ही साथ आज कोर्ट के सामने भी पेश किया गया था और पुलिस ने अपनी FIR में बताया है कि इन लोगों ने वो जो घटना को अंजाम दिया वो इसलिए दिया कि वो अपना प्रदेश में नाम बड़ा करना चाहते थे, इसके साथ ही साथ वो कुछ बड़ा करना चाहते थे जिससे कि उन्हें आगे आने वाले भविष्य में इसका लाभ मिल सके। तो ये था अब तक का अपडेट। तब तक यूपी तक पर लगातार देखते रहिए, हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया।